हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है ये वो है कि 2021 में दुबई का विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा का कौन सा कंडीशन है, मतलब किस हालात पे अभी चल रहा है, और क्या अभी विजिट वीज़ा से आप आ सकते हैं, क्या वर्क वीज़ा अभी से चालू हो गया, इस टाइप का इसके ऊपर है वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपको वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है? और स्किप मत करो, एंड तक देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। अच्छा, पहली बात, जो 5 कंट्रीज़ पे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 5 कंट्री पे बैन लगा हुआ था, ठीक है? वो पहले था, इन लोग ये 5 कंट्री का ये लोग क्या किया था, वीज़ा, विजिट वीज़ा बंद किया था, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये ओपन हो चुका है, अब आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप कहीं से भी हो, किसी भी काउंटी से भी हो, कोई मुश्किल नहीं, आप आ सकते हैं। ये वाला पहला वाला कंफ्यूज़ के लिए। दूसरा वाला वर्क वीज़ा जो है, आप विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, जैसे कि आपको किसी कंपनी में जॉब लग गया, आप आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरासर गलत है। अभी भी कंपनी हायरिंग नहीं कर रहा है, मतलब लोगों को नहीं बुला रहे जॉब के लिए, ठीक है? ये कम्प्लीटली फॉल्स है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप ट्रस्ट मत करो, मत निकलो, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। इसलिए अगर आपको आना ही है तो आप विजिट वीज़ा से आ जाओ। आपको एक चीज़ अच्छा रहेगा, अगर आपको जॉब नहीं भी मिला तो आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो ये वाला पहला वाला कन्फ्यूज़ क्लियर हो गया। दूसरा वाला हो गया कि क्या अभी दुबई में आने के लिए विजिट वीज़ा पर कोई रुकावट है। रुकावट मतलब देखो यार, पहले से भी जो भी था पहले, मतलब आपको अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था, पहले आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ता था, उसके बाद आपके पास 2000 दिराम कन्फर्म, उसके बाद आपको होटल बुकिंग, कम से कम एक हफ्ते का होटल बुकिंग आपको दिखाना था। तो देखो यार, ये पहले मतलब कुछ 2-3 महीना पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, ये लोग मतलब एयरपोर्ट पर आपको पूछता था कन्फर्म कि आपका टिकट, रिटर्न टिकट किधर है, आपका होटल बुकिंग दिखाओ, आपके पास 2000 दिरहम लाजिम ये चाहिए था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मैंने कुछ लोगों से सुना, मेरे दोस्त आए थे, तो इन लोगों से मैंने पूछा, तो ये लोग बोला नहीं यार, अभी ऐसा हो गया कि एयरपोर्ट पर इतना नहीं पूछते हैं कि कहाँ पर जा रहे हो, दुबई पर आ रहे हो आप, तो इमिग्रेशन पे आपको छोड़ रहे हैं, इतना मतलब मुश्किल नहीं है कि पूछ भी नहीं रहा है आपके पास कितना पैसा है या आपका होटल बुकिंग वगैरह, नहीं। लेकिन आपका अगर किस्मत साथ नहीं दिया, मतलब आपका लक अगर बैड लक हो गया, तो आप फंस जाएंगे, तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा यार, देखो वो पूछे या ना पूछे, 2000 दिरहम यानी कि इंडियन 40,000, पाकिस्तान का शायद आई थिंक 80,000 ऐसा कुछ होगा। देखो यार, इतना पैसा तो लेके आना ही पड़ेगा ना, और आप अगर जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगा, आप 3 महीने का आइए, 1 महीने का मत आइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आ जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप 3 महीने के लिए आ रहे हो तो आपके पास थोड़ा उड़ोकड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो बात यह है कि ये पूछे या ना पूछे, पैसा थोड़ा ज़्यादा लेके आने का, फिर यहाँ पर आकर रोने का धोने का कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। होटल बुकिंग, देखो होटल बुक करके आप लोग नहीं रह सकते, वैसे भी कौन सा लोग आते हैं जॉब के लिए, जिन लोगों के पास नहीं है वही लोग जॉब के लिए आते हैं ना, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप होटल बुक कर लो, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते दिन के लिए होटल बुक कर लो, फिर आप यहाँ पे आके बेड स्पेस आपको 500-600 दिरहम में मिल जाएगा, दिरहम में आप वो कर सकते हो, ठीक है? तो ये वाला हो गया आपका कन्फ्यूज़ क्लियर। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मेरे पास जितना भी अभी के लिए जो जनवरी 2021 जनवरी का जो इन्फॉर्मेशन है, यह मैंने आप लोगों को दिया, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आगे जो होगा, अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं बता सकता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। गाइस, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, और उस शूट में डायरेक्ट कम्प्लीटली मेरे दिमाग से चला गया था, एक न्यू अपडेट था। तो वो अपडेट क्या है, पहले क्या था, जब आप एंटर करना चाहते हो, दुबई में आना चाहते हो, तो कोविड का, अभी तो कोरोना का माहौल चल रहा है, सब लोगों को पता है, तो कोविड का जो टेस्ट, PCR टेस्ट था, वो पहले चलता था 96 आवर्स, यानी कि 4 डेज, आपको टेस्ट करने के बाद 4 डेज के अंदर आपको दुबई में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अभी फ़िलहाल, आज कौन सा तारीख है, आज 29th of January, 2 दिन पहले ये लागू हुआ कि अभी आपको 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन के अंदर आपको दुबई में पहुंचना, यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए आपका आज का आपका ट्रैवल का डेट है, उसका मतलब आप सिर्फ अगले ही दिन आपको कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, और एक ही दिन के अंदर आपको अभी क्या है, रिज़ल्ट मिल जाता है।
तो एक ही सिर्फ 3 दिन आपके हाथ में रहता है कि जिस दिन आप ट्रेवल कर रहे हो उसका और उसके अगले 2 दिन। तो मेरे हिसाब से जिस दिन आप ट्रेवल कर रहे हो उसके 1 दिन पहले आप टेस्ट कर लो, टेस्ट करा लो और फिर टिकट बुकिंग कर लो। तो टिकट बुकिंग करने से पहले करने के बाद आपको टेस्ट का वो करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं अपडेट था जो मैं उस वीडियो में नहीं दे पाया था, तो इसलिए सोचा मैं फिर से शूट कर लूँ। ये दूसरे एक जगह पे आकर फिर से अभी तक मुझे याद आया अभी मैं शूट कर रहा। तो यही था न्यू अपडेट और बाकी सब पहले जैसा ही है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों का और भी कुछ सवाल रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।